हेलो स्वीट हार्ट्स, छोटे छोटे प्यारे बच्चों, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ओबीडियंस के बारे में। आज से मैं बहुत सीरियसली पढ़ाया करूँगी। ऐसा करूँ क्या? अच्छा चलो, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए थे। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हो, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भैया बहुत छोटे छोटे हो ना, इसीलिए। बड़े होके थोड़ी थोड़ी अपनी मर्जी तो चला लेता है इंसान, लेकिन जब तक छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो इतनी समझ नहीं होती है, इसीलिए उनको अपने से बड़ों की बात, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, पेरेंट्स की, अंकल आंट्स की बातें माननी चाहिए। एंड दे मस्ट हैव ओबीडियंस, दे शुड बी ओबीडियंट चिल्ड्रन, ठीक है? ओके, और हमने इसके बाद बहुत अच्छी सी कहानी पढ़ी थी, छोटे से खरगोश की, टिनी की, और एक ग्रीडी क्रोकोडाइल की। उसके बाद हमने पढ़ा था, वर्ड मीनिंग्स भी लिख लिए थे, हार्ड वर्ड्स भी लिख लिए थे, है ना? अब बचा है इस छोटे से चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स, जो आज हम कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 6 आपके बुक में, पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। अच्छा, मोरल माइंड की कॉपी बना लेना सब बच्चे, ठीक है? और फटाफट ये काम कंप्लीट करना। आपने हार्ड वर्ड्स लिख लिए होंगे कॉपी में, वर्ड मीनिंग्स लिख लिए होंगे कॉपी में। अब हम करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है? तो EXERCISE, एक्सरसाइज। क्विक रिकैप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What had Tinny's mother warned him of? Tinny की मदर ने उसको किस चीज़ के लिए वॉर्न किया था, किस चीज़ के लिए अलर्ट किया था कि किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, ठीक है? तो लिख लेते हैं फटाफट। What had Tinny's mother warned him of? ओके, सॉरी, ओ डबल एफ नहीं, सिर्फ एक ही एफ आता है, warned him of। तो इसका आंसर क्या है? द आंसर इज टिनीज मदर warned him not to talk to strangers. टिनी की मदर ने उसको मना किया था कि किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। टिनीज मदर वॉन्ड हिम नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, ठीक है? इसको नोट कर लेना। हम अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वॉज द क्रोकोडाइल अ गुड स्ट्रेंजर? गिव वन रीजन, ठीक है ना? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन इज वॉज, क्या जो क्रोकोडाइल था वो एक अच्छा स्ट्रेंजर था, गुड स्ट्रेंजर था? वॉज द क्रोकोडाइल अ गुड स्ट्रेंजर? अगर ऐसा आपको लगता है तो गिव वन रीजन। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा स्ट्रेंजर था तो भी आप रीज़न बताओ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा स्ट्रेंजर नहीं था तो भी आप एक रीज़न बताओ। लिखो इसको फटाफट। इतना आंसर, नो
पर हमें तो पता है कि क्रोकोडाइल एक गुड स्ट्रेंजर नहीं था, ठीक है ना? नो, द क्रोकोडाइल वॉज नॉट अ गुड स्ट्रेंजर. क्यों भाई, आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि बिकॉज बिकॉज द क्रोकोडाइल ऑफर्ड गिफ्ट टू टिनी. अब कोई भी स्ट्रेंजर ऐसे ही थोड़ी ना गिफ्ट देने लग जाता है, बताओ. और अगर कोई स्ट्रेंजर ऐसे गिफ्ट देने की बात करता है, बहुत प्यार से बात करता है, तो इसका मतलब ज़रूर कुछ गड़बड़ है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो क्रोकोडाइल था वो एक गुड स्ट्रेंजर तो नहीं था, क्योंकि उसने टॉफ़ीज़ देने की और गिफ्ट्स देने की बात की थी ना, इसीलिए. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन. इसको फटाफट नोट कर लो. क्वेश्चन नंबर 3. बच्चों को बोर्ड अच्छे से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम टिनी? आपने टिनी से क्या सीखा? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम टिनी? आपने टिनी से क्या सीखा? आपने क्या सीखा टिनी से? ओबीडियंट होना सीखा. क्यों? क्योंकि टिनी बहुत ओबीडियंट बच्चा था, और देखो उसने अपनी मम्मा की बात मानी. उसने अपनी अपनी मम्मा की बात मान के वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बच गया, है ना? तो ओबीडियंट होने से क्या फ़ायदा होता है कि प्रॉब्लम से बच जाते हैं, वरना तो वो क्रोकोडाइल उसे खा जाता, मार ही डालता, है ना? तो we learn to be obedient. ऐसे करो इसको. we learn from tiny to be obedient. हमने टिनी से ओबीडियंट होना सीखा, ओबीडियंट बनना सीखा. ठीक है. तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन विच इज कंप्लीटेड. इसको फटाफट से नोट कर लो बेटा. ठीक है. अब देखो पेज नंबर 6 पर कुछ पिक्स दी गई हैं, ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं नीचे. इनको ध्यान से देखना घर में. बच्चों ने, सब बच्चों ने बुक्स तो ले ही ली होंगी आई होप, है ना? बिकॉज यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स. तो ये सारी पिक्चर्स आप ध्यान से देखो. पहली पिक्चर में एक बच्चा है और उसके पापा हैं, दिख रहा है सबको, है ना? अब देखो पापा को ध्यान से देखो जरा, वो थोड़े गुस्से में हैं और वो मना कर रहे हैं कि लॉलीपॉप अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चे की जीभ बाहर निकल रही है, देख रहा है कैसे? वाह, लॉलीपॉप. तो ये क्या अच्छी बात है? जब पापा मना कर रहे हैं लॉलीपॉप खाने के लिए, तब भी बच्चे को लग रहा है कि काश ये लॉलीपॉप मुझे मिल जाए. तो क्या ये ओबीडियंट चाइल्ड है, बताओ? तो
आपको इसमें दिखाना है जो आपको लगता है कि ओबीडियंट चाइल्ड है उस पर आपको टिक करना है, राइट का निशान टिक करना है, रेड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट पिक दी है उसमें आपको लगता है कि ही इज़ ए ओबीडियंट चाइल्ड, नो। जब पापा मना कर रहे हैं कि बेटा इतनी सारी लॉलीपॉप खाना अच्छी बात नहीं है तो उसको नहीं खानी चाहिए, तो इस पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट पिक पे हम करेंगे क्रॉस, ठीक है, ही इज़ नॉट अ ओबीडियंट चाइल्ड। सेकंड पिक देखते हैं, सेकंड पिक में देखो एक छोटा सा बच्चा आपके जैसा अपने ग्रैंडफादर के साथ रोड पे जा रहा है, दिख रहा है सब बच्चों को, और देखो उसके जो दादाजी हैं वो राइट साइड में इशारा कर रहे हैं कि राइट साइड चलते हैं, तो जो बच्चा है वो भी राइट साइड जाने के लिए ही हाथ देखो उसका राइट साइड को ही पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि वो अपने दादाजी की बात मान रहा है, ही इज़ अ ओबीडियंट बॉय। तो इसको हम करेंगे राइट, इस पर हम लगाएंगे राइट, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब थर्ड देखिए, ओ माय गॉड, थर्ड पिक तो देखो ज़रा, मम्मी पापा नीचे खड़े हैं और बच्चा पेड़ के ऊपर, ओहो। तो कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चे से कहते हैं क्या कि जाओ पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ ना, तो यानी कि ये बच्चा तो बहुत ही गंदा है, बहुत ही शैतान है, बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं है। मम्मा और पापा दोनों कह रहे हैं कि भाई नीचे उतरो, पेड़ पे मत चढ़ो, पर वो तो आराम से पेड़ पे चढ़ के बैठा है, और जो गिर गया तो फिर चोट किसको लगेगी, तो इस पे हम क्या लगाएंगे, क्रॉस, क्योंकि ये तो एक ओबीडियंट चाइल्ड बिल्कुल भी नहीं है, गेटिंग। तो इसको आपको बुक में ही करना है, यहाँ पे इसको आपको कॉपी में नहीं करना है, ध्यान से सुनना बिट्टू। आपको जो मैंने क्वेश्चन आंसर सभी कराए थे ये वाले, वो अपन ने कर लिए कॉपी में, लेकिन ये जो एक्टिविटी है ये आपको बुक में ही करनी है, ठीक है। फर्स्ट पिक में ओबीडियंट चाइल्ड नहीं है, सेकंड पिक में ओबीडियंट चाइल्ड है, और थर्ड पिक में भी ओबीडियंट चाइल्ड नहीं है, ठीक, ओके। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 37 पे, नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट पेज पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, वर्ड फन दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, इसको हम कल करेंगे, ठीक। तो आज आपने ये तीन क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, इनको अपनी कॉपी में करना। कॉपी में आपने सबसे पहले तो चैप्टर का नेम डाला होगा, नंबर डाला होगा, उसके बाद फिर हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स, और ये क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। और ये जो पिक वाला काम था, पिक्चर वाला, वो आपको बुक में ही करना है। अब हम नेक्स्ट कल कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, फिर हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखो सब बच्चे, मम्मी पापा की बातों को मानो, एंड बी अ गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ओके, बाय बाय।